नहीं, देना हाथ जरा गोरा जहा काला हाथ उरे करना ए देखो उन्होंने सरप्राइज दिया तो फिर हमने भी जाके दे दिया तो दूसरी बेगम से मिलके आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। वेलकम बैक उज़्मा की दुनिया, छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। और हवा बड़ी प्यारी चल रही है, मैं हमेशा से आपको हवा ही दिखाती रहती हूँ। गर्मी बहुत पड़ी है आज और हवा भी चल रही है। मुन्ना आज मेरे पास नहीं है, मुन्ना मैंने सुबह से आज कहीं भेज दिया है। उसको एक कमरा दिया है कि आप भाई यहाँ पे बैठ के पढ़ो, शाम को वापस आना। लेकिन आज मैं ज़रा छापा मारना चाहती हूँ दूसरी बेगम, उसके बारे में। काफ़ी दिनों से कोई खैर खबर नहीं ली, सुना है कि काफ़ी वेट शेट बढ़ गया है, तो कोई मसला तो नहीं है, चल के देखते हैं। तो उनको मुबारकबाद भी दे के आते हैं मसले की। और अभी मैं जा रही हूँ उसके पास, मेरी एक दोस्त भी है, उन्होंने कहा आए हम चलते हैं, उसको मिल के आते हैं। तो मेरे साथ ही रहिएगा, चल के देखते हैं कौशल के हालात क्या है, क्या कर रही है आजकल। वीडियो में तो नज़र आती है, ब्लॉग तो मैं उनको डेली देखती रहती हूँ। आपको पता है बाहर फैमिली ब्लॉग उन्होंने चैनल जो बनाया हुआ उसके ऊपर अपनी ब्लॉगिंग करते हैं वो। तो चल के देखते हैं और नीरव को साथ लेके जाती हूँ, साथ अपनी दोस्त को, तो उनके घर चलते हैं, फिर चल के देख के आते हैं। और आज एक छोटी सी सेलिब्रेशन भी है, बच्चों को छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन उनकी किया करें, उनको अच्छा लगता है, वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारे पास एक छोटी सी बच्ची आ चुकी है, वो कौन है? उसका नाम नाइला है, वो भी आपको जरूर दिखवाएंगे उससे भी। तो पहले तो दूसरी बेगम की खबर लेके आते हैं, उसको मुबारकबाद दे के आते हैं। तो आए मेरे साथ, नाश्ता करो, चाय नहीं पीते अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते। अच्छा बना देती हूँ अम्मी, आप इससे कहें कि नाश्ता करेगी, ठीक है? गए के नाश्ता करे, मैं इसको चाय बना देती हूँ, ठीक है? हाँ करो मेरा बेटा, नहीं करना पहले चाय बनाओ ना, इधर देखो मेरी तरफ देखो, चाय मिल जाती है। आप नाश्ता स्टार्ट तो करें, बाद में पीनी है ना? नहीं पहले चाय दे, मैं साथ खाना है उसके नान है। देखे अम्मी आई तो हमने नाश्ता मंगाया, देखे कितना मजे का, चने भी। चलो मेरा बेटा सुबह का नाश्ता बड़ा मजे का होता है, करो। तो फिर मैं आप चाय बना के, मैं बनाती हूँ, ठीक है? आप खाओ तो सही, मैं बनाती हूँ जल्दी करो। कैसा लग रहा है? अच्छा। नहीं सही बताओ, अच्छा लग रहा है, खुशी हुई है? देखो कितना प्यारा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हमने कहा है। कहा है ट्रॉफी आपकी? दिखाओ मुझे ट्रॉफी, दिखाओ। मजा आ रहा है? देखो उस तरफ देखो, मजा आ रहा है? कितना प्यारा लगाया है ना आपको, हमने बोला आपको ट्रॉफी जो मिली है, छोटा बच्चा, ये आपका कार्ड है, क्या बात है। अरे बच्चे ना जरा पकड़ो, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लीज, मुझे खिलाओ केक, कितना मजा आ रहा है मुझे। यतीमो मर जो, आज आ जाए फटाफट, बेहतर आ जाए लगा, आज चले। बटन दबाओ जी, क्या हुआ? हाँ अभी ट्रेन आती है, आ जाएगी ट्रेन, आने वाली है ट्रेन, कहीं बैठ ही जाए हैं मुझे तो। आ गए पुराने मोहल्ले में, पुराने घर में, आ जाओ दुशी जाओ, आ जाओ खोलो दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र लगा सुनाए, ठीक है? क्या बात है, वही कर्टन वही पर्दे लगे हुए हैं मेरे किचन में। कौशल ने सफाई सफुई कर ली, उसको लगा बाजी आएगी तो फिर ये होगा तो वो होगा, होगा तो कुछ भी नहीं, सच तो ये होगा तो कुछ भी नहीं। ओए कहाँ घूम रहे हो, लाइट कहाँ से ऑन होती है? मुझे अपने कमरे की लाइट भी भूल गई है। आ जाए दुशी जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाए। ये देखे मेरी अम्मी ने मुझे बेडशीट निकलवा के दी थी मशीन की कढ़ाई से, कितनी प्यारी लग रही है ना, है ना? इसका कलर पीच था, वैसे उड़ा आ गया है। चले खैर,
इतने सब ऑर्डर आ गए, मैं ऑर्डर गई इधर देख शरीफू, इधर देखो क्या बात है। मीरू भैया को पकड़ो, है पकड़ो भाई को। ठीक है भैया, भैया ठीक है, भैया ठीक है। मम्मा कहाँ है? जाती मैं मरूँ इसलिए मेरे लिए बोतल लेके आई है। क्यों हमजा, तेरी अम्मा कहती है ना मैं मर जाऊँ, है इसलिए मुझे बोतल पिला रही है। मुझे पता चल गया तेरा बॉसर। ऐसी बात भी नहीं है भाई, ऐसी चाय नहीं पीती मैंने, कहा चले आओ। तो मैं बोतल भी नहीं पीती, आपको ये भी पता है मैं पानी पीती हूँ। आज आज खाओ खाओ कराती हूँ। ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये कोसर का कमरा है। अब तो सारे कमरे उसके हैं। ये लाइट ऑन करते हैं, मुझे ये भी नहीं पता लाइट कहाँ से ऑन होती, अपने घर की लाइटों का नहीं पता कहाँ से ऑन होती। ये देख ये रूम है, उसके साथ वॉशरूम, पीछे कर दो पर्दा। ये आ गया। लगी हो चिकन? अच्छा किसको खिलाना है? मैं तो नहीं खाती चिकन, मना है। थोड़ा सा खा ले जी। क्या कर रहा है ये? मैं माल पढ़ लू। तरबूज भी आ गया है, ख्याल रखा जा रहा है मेरी सेहत का बहुत ज्यादा। क्या पकाया तेरी मम्मा ने? मिर्ची नहीं आंटी, क्या बात मिर्ची। मेरू मिर्ची देखो, खाओ कढ़ाई आंटी खा रहे दावत जी। हमजा मैं जा रही हूँ घर। अच्छा जी कौसर खाने का बड़ा शुक्रिया है। तो आई ये करो जरा इधर होते होना, जरा थोड़ा या पकड़ना। ये बाबा जी ने, मैं बाबा हूँ और बाबा जी ने क्या किया है देना हाथ जरा गोरा या है काला या हाथुरे करना है देखो गोरा हाथ और काला हाथ, बस अल्लाह जिन्हों दवे गोरी बेगम गोरी चिट्टी बेगम और काले काले। बाबा जी ने हाथ उसके हाथ में दे दिया, जुग जुग जियो बच्चा सारी जिंदगी। नहीं मेरा हाथ दर्द करता, गैंट गया रात नहीं ना 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 मेरे दर्द। आप रखो अपना, आप रखो अपना, नहीं आप बंद करो आज जरा। कहो जानू कैसी हो? मेरी दोस्त भी अंसरी। हाँ पकड़ लो, कुछ नहीं होता। नहीं जी मैंने आज एक बाबा जी ने दो मियां बीवी को मिला दिया और हाथ उनका दे दिया। ठीक है बाबा जी का हाथ उसमें दे दिया, जुग जुग जियो खुश रहो बाद रहो। मैं जा रही हूँ अपने घर, खाने का बड़ा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। नहीं उसके पेपर हो रहे हैं, वो टू मच बिजी है। ठीक है तो थोड़ी वो और गोरी चिट्ठी हो जाओ ताकि मियाँ साहब फिर, मैं कहती हूँ ऐसी बेगम मेरी हो तो मैं चली जाऊँ कहीं। अब चलते हैं घर, कौसर साहब से मिल लिया है, हमजा से भी मिल लिया है, तो अब हम जा रहे हैं घर, ट्रेन का वेट करते हैं। आए रे जी। हाँ जी जी क्या बोलेंगे? मैं ये बोलूंगी कि जो औरतें हैं वो हिम्मत रखे, अपने एक अपने आप को दिखाए किसी तरह की, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, कुछ ऐसा काम कर जाए कि आपको दुनिया याद रखे। क्या बात है जी, आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल क्या बोलूं, कुछ भी बोलें। औरतों के लिए पैगाम है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, बिल्कुल जैसे स्ट्रॉन्ग हिम्मत है, और जो है हिम्मत हारी जरूर जाती है पर हिम्मत खुद को बनानी पड़ती है। हाँ हिम्मत टूट जाती है, हिम्मत हारते नहीं, हिम्मत रखते हैं तो सारे काम बन जाते हैं। ये ट्रेन में मेरे फैन कुछ मिले थे, मैंने कहा इनको भी व्लॉग में ले ले। क्या बोलोगे इधर देखो, क्या बोलोगे बच्चों? ठीक हो? मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मेरा स्टेशन आ गया, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। जी मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अरे यहाँ पे बैठ जाते हैं,
थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। मिली हूँ दूसरी बेगम से आज जाके कौशल साहब, माशाल्लाह सेहत तो काफी अच्छी हो गई है। मैंने कहा कोई खुशखबरी ही सुना दो शायद इसीलिए सेहत अच्छी हो रही, लेकिन कुछ बोली नहीं आगे से। हाँ खाना उसने मजे का बनाया था, तो बड़ी मजे की कढ़ाई बनाना शुरू हो गई। तो मैंने कहा हस्बैंड आपके अब तारीफ करेंगे तो फिर ही है। तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ रहे थे कि काफ़ी लोगों ने, मैं काफ़ी दिनों से कमेंट्स पढ़ रही थी कि आप लोग कह रहे थे कि आपने शादी करवाई और उसके बाद आप अलहदा से हो गई हैं, तो वो इसीलिए कि हम ज़रा थोड़ा अलहदा रहना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उसमें अगर आप अलहदा अलहदा सेपरेट सेपरेट रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभार बंदा मिलता है, इज्जत भी होती है, रोज़ का आना जाना इज्जत भी कम कर देता है, रोज़ एक दूसरे के साथ कोई बात भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने फिर यही सोचा कि हमें अलहदा ही रहना चाहिए। तो बहरहाल आपने उनके लिए दुआएं करनी है कि वो खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे अच्छे से ब्लॉग बनाते रहें। और बच्चा माशाल्लाह बड़ा प्यारा हुआ हुआ है हमज़ा, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, वो अपनी माँ की आँखों का ठंडक बने और माँ को भी अल्लाह उनके सिर पे सलामत रखे, वालिद को भी सिर पे सलामत रखे। मेरी दिल से दुआएं। 10,000 की सेलिब्रेशन थी तो मैंने कहा कि उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया, हमें तो बताया ही नहीं है, अचानक से वीडियो डाल दी 10K की सर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैंने तो व्लॉग देखा तो फिर मैं भी चलेगी, मैंने कहा हम भी जाके बोल आते हैं, ऐसे कल को गिले शिक भी हो जाते हैं इस तरह की बातों पर कि जैसे ये मशीनें हैं ना तो इसके ऊपर जब बच्चे बैठते हैं तो लड़ते हैं तो गिले शिकवे करते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे मैंने कहा गिले शिकवे ना हो जाएं, तो जाके हम खुद से बोल आए कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपका चैनल जो है वो 1 मिलियन पे ले जाए और आपके व्यूज़ बड़े बड़े अच्छे आएँ, ऐसे दबंग ब्लॉग बनाएँ। तो मुन्ने को तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया, यानी कि वो कह रहा था मम्मा पापा ने तो सरप्राइज़ ही दे दिया 10K की सेलिब्रेशन का। मैंने कहा उन्होंने सरप्राइज़ दिया तो फिर हमने भी जाके दे दिया। तो दूसरी बेगम से मिल के आई हूँ, खुश है, अपने घर में अच्छी है, अच्छा खाना उसने बनाया, अकेली है वो, कोई सास नहीं है, कोई ननद नहीं है, कोई देवर, कोई जेठ, कोई उसके ऊपर मैं नहीं हूँ, सौतन का भी नहीं है मामला, सारे हर चीज़ से वो बरी जिम्मा है, सिर्फ एक उसका हस्बैंड है, बच्चा है और वो। तो अगर फिर भी इंसान सही तरीके से ना रहे अकेला भी घर में तो भी अच्छी बात नहीं है, समझा के हम काफ़ी आए, बाकी उनकी मर्ज़ी है जैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहें, बस हम ये चाहते हैं कि वो खुश रहें, हैप्पी रहें, दोनों मियाँ बीवी आपस में उनका सलूक हो, मोहब्बत हो, इत्तफाक हो, तो वो खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह ताला उनको और नवाजे। तो यहाँ पे देखें एक कितना प्यारा छोटा सा, देखें कितनी प्यारी फ्रॉक बनी हुई है, ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाती भी रहती थी। ये हमारा सिलाई स्कूल है, देखें अब तो इस कमरे में भी सिलाई स्कूल बन चुका है, ये देखें जी इधर भी सिलाई स्कूल आ गया। प्लीज़ प्लीज़ फिर एक बार चैनल मेरे को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिए, मेरी हौसला अफजाई के लिए, सेहत याबी के लिए दुआ भी किया करें। और मैं भी आपको कारी साहब की आवाज़ भी सुनाती हूँ कि कितना अच्छा से वो पढ़ा रहे हैं। صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب